વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમનો 100મો એપિસોડમાં સંબોધન કર્યું હતું. ટીવી ચેનલો, ખાનગી રેડિયો સ્ટેશનો અને કમ્યુનિટી રેડિયો સહિત 1000થી વધુ પ્લેટફોર્મ પર આ એપિસોડનું પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું છે. 100મો એપિસોડ ન્યૂયોર્કમાં યુનાઇટેડ નેશન્સ હેડક્વાર્ટર ખાતે પણ લાઈવ પ્રસારણ થયું, ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મુંબઈથી કાર્યક્રમ નિહાળ્યો, તેમજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને યોગી આદિત્યનાથે કર્ણાટકમાં કાર્યક્રમ સાંભળ્યો. સાથે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે દિલ્હી ભાજપના મુખ્યાલયમાં, તો વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીમાં કાર્યક્રમ સાંભળ્યો હતો. Bath has had that impact, not because the medium is 100 years old or 100 days old, because jaise hum sab logo ne abhi suna tha, somewhere there is an emotional connect between the prime minister and the country, between the prime minister and the people, that each one of us, because we all of us listen to it, all of us listen to it. उसके बाद कहीं ना कहीं किसी के साथ चर्चा भी होती है. Somebody will bring up some subject. आपने सुना था, you know, he raised this issue, he brought up like मल्लखंब. मन की बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है. इस देश में कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके गांव आसपास के गांवों के बेहतरी के लिए काम करते हैं. ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं. इसके कारण सच में भारत के निर्माण करने वाले हर नागरिक को पहचान हम सब कर पा रहे. प्रधानमंत्री जी की मन की बात से यहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं, लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं, वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से. और केवल वो महिमामंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं. मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए. प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल का संरक्षण हो, या फिर अलग अलग समाज सुधार के काम, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, लोकल को वोकल बनाने के हों, उन्होंने आंदोलन का रूप धारण कर लिया. मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं. वर्तमान के आधुनिक युग में जब आप और हम सब लोग, सामान्य तौर पर हम लोग डब्बे में कैद हो जाते हैं, चाहे वो टेलीविजन का डब्बा हो, चाहे वो आपके और हमारे मोबाइल का डब्बा हो, उस वातावरण में पत्रचार को दोबारा जीवित करना, उस वातावरण में रेडियो का माध्यम को दोबारा जीवित करना, ये अनूठा पहल अगर किसी ने उठाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया. अन्य विधायक नितिन नवीन जी ने इसको पूरी तरह रूपरेखा दिया है कि एक एक मन की बात को कैसे स्टेबलाइज किया है. देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद. प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का 99 श्रृंखला है, उसके विशेष विषयों को लेकर ये पूरी प्रदर्शनी लगी है. और इस पूरे प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि हर श्रृंखला में जो प्रधानमंत्री जी, चाहे स्टार्टअप हो, डिजिटल इंडिया हो, कुपोषण हो, तो सैनिकों की बात हो, तो किसानों की बात हो, तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, तो कन्याकुमारी हो, तो कश्मीर हो, पूरे देश को एक सूत्र में उन्होंने बांध दिया और जनता की बात को एक मन की बात का कार्यक्रम बना दिया. 99 महीनों तक लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम जो चला है, वो आज देश का पूरा जो संदेश है विश्व पटल पर जा रहा है. पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री दुनिया में या राष्ट्रपति
पिछले 9 साल से लगातार जनता से बात करते हैं, जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होती है। पर्यावरण, योग, स्टे फिट, सेल्फी विद डॉटर, देश को जगाने की बात होती है।